हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना। आज हम थालपोश बनाएंगे। करवा चौथ आ रहा है इसलिए हमें थालपोश की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम थालपोश घर पर बनाएंगे। बाजार से इतने महंगे मिलते हैं तो इसे हम घर पर बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। उसके लिए मैंने ये नेट ली हुई है। आपके पास कोई दुपट्टा हो नेट वाला आप वो भी ले सकते हैं। मैंने ये नेट ली है, इस तरह से रेड कलर की है और इस पर गोल्डन और सिल्वर कलर का ये वर्क है बीच में। इस तरह से हम ये ले लेंगे और इसके नीचे लगाने के लिए मैंने ये रेड कलर का ही कपड़ा लिया है। ये रेड कपड़ा ले लेंगे हम और लैस ले लेंगे। ये मैंने इसके लिए लैस ली है। ये देखिए सिल्वर कलर की है ये, और ये ऐसे यहाँ से ये बने हुए हैं इसके। आप कोई भी लटकने वाली, यहाँ मोती वाली भी आती है, ये कोई भी जैसे नीचे लटक रहे हो मोती, ये कोई भी आप ले सकते हैं। या ऐसी ये देखिए ये है कलरफुल, आप ऐसी भी ले सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगती है। मैं ये वाली यूज करूंगी इसमें। सबसे पहले हम ये नेट ले लेंगे हम। आपको जितना बड़ा चाहिए थालपोश आप उतना बड़ा ये नेट का पीस ले सकते हैं। ये मैंने डबल लिया है। ये हम सबसे पहले एक नेट का पीस ले लेंगे, इसे सीधा रख लेंगे और इसके ऊपर हम ये कपड़ा जो हमने रेड लिया हुआ है इसके ऊपर इसे भी इसके बराबर रख लेंगे। और फिर इसके ऊपर एक और जो हमने नेट का पीस लिया हुआ है इसे रखेंगे ऐसे, इसे रख लेंगे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम इसे एक बार ऐसे सीधा फोल्ड करेंगे, एक बार हम ऐसे फोल्ड करेंगे इसे, और एक बार हम फिर इसे दोबारा ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमारा हो गया फोल्ड। अब हम एक प्लेट लेंगे और इस पर इसे हम रख लेंगे ऐसे साइड में। हमने यहाँ से गोल करना है इसे, गोलाई में हमारा थालपोश बनेगा, इसलिए आप हाथ से कर सकते हैं, आप हाथ से कर लीजिए, नहीं तो आप ये कॉर्नर जो हमारे खुले हुए हैं इस तरफ आप ये प्लेट रख लीजिए ये ऐसे, और यहां से हम निशान लगा लेंगे। ये हम यहां से हमने निशान ऐसे लगा लेंगे प्लेट के साथ, गोल हो जाएगा ये हमारा। ये यहां से तो सीधा लेकर आएंगे, यहां से गोल नहीं करना, ऐसे सिर्फ यहां से कर लेंगे। और अब हम इसे यहां से कट कर देंगे। अब हम इसे खोलेंगे, ये देखिए ये हमारा गोल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक नेट ले लेंगे, इसे हम नीचे रखेंगे और इस पर ही दूसरी नेट रखेंगे और ऊपर हम कपड़ा रखेंगे ऐसे, दो नेट एक साथ और ऊपर ये कपड़ा। और अब हम यहां से चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे यहां से। ये देखिए ये मैंने तीनों को रख लिया है। अब हम साइड से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ तक सिलाई कर ली है। ये मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगी यहाँ से इसे सीधा करने के लिए। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम एक नेट को पकड़ेंगे और दूसरा कपड़ा और नेट एक साथ रखेंगे और यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया है।
अब हम ये खुला हुआ है हमारा, यहाँ से इसे अंदर की साइड करते हुए इस कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ कर लेंगे और इस पर हम लेस लगाएंगे। इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे, इस पर भी हमारी सिलाई आ जाएगी। आप पहले भी लगा सकते हैं, यहाँ से थोड़ी सी आप सिलाई लगा लीजिए। पहले बंद कर लीजिए इसको। और अब हम यहीं से ही लेस लगानी शुरू कर देंगे। ये हम इस पर ऐसे ये कॉर्नर पर इस लेस को रखेंगे, थोड़ा सा मोड़ लेंगे पहले और यहाँ हम रखेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। ये हम पूरे गोलाई में इस लेस को लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारी यहाँ तक लेस लग गई है। यहाँ से हम थोड़ा सा कट कर देंगे एक्स्ट्रा लेते हुए और इसे यहाँ से फोल्ड करके इस पर ये इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारा थाल पोश बन गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। ये देखिए, ये पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे से भी ऐसे ही है, ये सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।